हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज कौन नहीं चल सकता है ये बताओ? मटीरियल पार्टिकल, मटीरियल पार्टिकल भी नहीं चल सकता है। और संसार किन चीजों से बना है? एनर्जी और मास। एनर्जी क्या होती है? दोनों एक ही है ना। अरे वो तो अली एक है, लेकिन हमने बॉल लेकर के और उसको चला दिया तो आ गई भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो क्या वो एनर्जी कुछ अलग चीज है या वो बॉल की ही कोई दूसरी अवस्था है? वो दूसरी अवस्था है, लेकिन और फ्रेम बदल दिया हमने, हम दूसरे फ्रेम में चले गए तो रेस्ट में भी बॉल आ गया, उसकी एनर्जी कहीं गायब भी हो गई। संसार किन चीजों से, किन किन उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? एटम्स हैं, हाँ डेफिनेटली एटम्स हैं, है ना, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा अग्नि वायु वो तो मटेरियल पार्टिकल हो गया, है ना। वायु तो मटेरियल पार्टिकल है ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। जो अग्नि है वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो अपने एक्साइटेड स्टेट्स में है, लाइट एमिट कर रही हैं, तो वो अग्नि हो गई, फ्लेम हो गया, वो सब मटेरियल पार्टिकल्स हो गए। रेडिएशन, ओके, रेडिएशन, रेडिएशन क्या है? फील्ड्स हैं, है ना, वो फील्ड्स हैं। और वो फील्ड्स का उतना ही इम्पॉर्टेंट रियल एग्जिस्टेंस है, रियल एग्जिस्टेंस वो है, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा नहीं, वो जातिवाचक संज्ञा है। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी चर्चा हम करेंगे, अभी कोर्स तो उसी के ऊपर ही है सारा। जो फील्ड है वो एक फिजिकली एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है, क्योंकि वो फोर्स लगाती है। फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और आपका पार्टिकल है, पार्टिकल से तो हम सब परिचित हो गए, मटेरियल पार्टिकल है, एटम्स है। अब वो जो पार्टिकल्स है वो फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, तो वो फील्ड भाववाचक संज्ञा नहीं है, हाँ, वो फोर्स लगा रहा है, उसमें एनर्जी कंटेंड है। जैसे बॉल मेरा चल रहा है तो हम कहते हैं बॉल है भैया, बॉल में एनर्जी है, बॉल है। एग्जिस्टेंस किसका है? फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका है? बॉल का। उस बॉल में एनर्जी है, वो चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उसमें एनर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो फोर्स लगाता है। अगर आपका करंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा, कंपास होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगा रहा है तो उसमें खुद में एनर्जी है। तो आवर यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम मटीरियल पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, और दोनों का बहुत इक्वल इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि मेनली एटम्स, मेनली न्यूक्लियाई, नहीं 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 हम तो दिन रात फील्ड में, फील्ड के सागर में डूबे रहते हैं। ये जो रोशनी वोशनी जिससे हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम तो उसी में हमेशा डूबे हुए, उसी सागर में हमेशा रहते हैं हम। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं ये ठीक है, फील्ड विल थोड़ा दूर की चीज़ है, दूर की चीज़ नहीं है, राइट। स्पॉट नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्पॉट नाम का कोई वस्तु नहीं है। स्पॉट जो है उस वस्तु के चमकने को स्पॉट कहते हैं, वहाँ के कण जो हैं वो चमक गए हैं, उसके ऊपर रोशनी पड़ गई है, वहाँ से रोशनी स्कैटर हो रही है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम कहते हैं स्पॉट बन गया वहाँ पे। स्पॉट वस्तु नहीं है। स्पॉट अगर लाइट के स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से चले तो आइंस्टाइन केवल मुस्कुराएंगे, उनकी आत्मा को कोई दुख नहीं होगा, राइट। तो वेव में भी ऐसा ही है कि एक जगह जो घटना हुई है, एक निश्चित समय के बाद वही घटना एक निश्चित दूरी पर होगी, हाँ, तो फिर उसको हम लोग वेव करके बोलते हैं। अब ये देखिए, एक उसी का एक हम लोगों ने ये मॉडल किया है, और आप बहुत आराम से बनाओ इसको वेव पढ़ाने के लिए। ये दो टेप है, स्टिकी साइड भीतर है, एक दूसरे में चिपके हुए हैं। चिपकाने के पहले एक के ऊपर, एक टेप के ऊपर ये सब कुछ चिपका दिया गया था रख करके। बनवाओगे क्या? हाँ। है, अच्छा, आपके आपके इसमें है।
और उसके बाद उसको चिपका दो अच्छी तरीके से, तो ये बन। अब अभी जो है सारे वर्टिकल हैं, मान के चलेंगे कि अभी सारे वर्टिकल हैं, और यहाँ से अगर कोई एंगल बनेगा किसी स्पोक का तो वो एंगल थीटा कहलाएगा, और हम कहेंगे कि इस स्पोक का थीटा अब इतना हो गया, इस समय सबका थीटा ज़ीरो है, राइट? अभी हाँ, अभी सबका थीटा ज़ीरो है, इसका भी थीटा ज़ीरो है, इसका भी थीटा ज़ीरो है, उसका भी थीटा, सभी वर्टिकल हैं, जो हवा चल रही है उसको आप भूल जाना। अब हम देखो इसका थीटा बदल रहे हैं, एक घटना हो रही है यहाँ पर, इसका थीटा ज़ीरो से बढ़ के कुछ और होगा और फिर वापस ज़ीरो होगा, इसको क्या हो गया। यहाँ पर हमने जो घटना की, इसको इस तरफ को हमने थीटा एंगल से और रोटेट किया, वही घटना यहाँ हो रही है, वही घटना वहाँ हो रही है, वही घटना वहाँ हो रही है। आपको लग रहा है कुछ चल करके इधर से उधर जा रहा है, योगेश जी से रंजीत जी की तरफ आ रहा है, फिर वापस भी आ रहा है, लेकिन आप एक ही तरफ को पहले देखो। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम थोड़ी देर बाद यहाँ हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद यहाँ हो रहा है और एक निश्चित स्पीड से हो रहा है। इतनी दूरी पर कितनी देर के बाद वो घटना घटने वाली है, जो यहाँ घटी थी वो यहाँ कितने देर के बाद घटने वाली है, निश्चित है, डेफिनेट है, और इसलिए हम एक स्पीड की बात कर सकते हैं। ये घटना को यहाँ से यहाँ चलने में इतना समय लगा घटना तो चीज़ नहीं है जो चलेगी, वो पुनरावृत्ति है। एक यहाँ घटना हो रही है, वैसी ही घटना यहाँ होने वाली है। अब इसका ये कारण है वो अलग बात है कि इसका ये कारण है, इसकी ये न हुई होती तो वो भी ना हुआ होता, वो ठीक है, लेकिन ये एक अलग घटना है, ये एक अलग घटना है। ये घटना चल करके वहाँ नहीं पहुँची है, ये घटना तो यहीं घट गई जिसका हाथ पैर टूटना था उसका यहीं टूट गया, वो वाला हाथ पर अब टूटना चल उधर नहीं जा रहा है, वो दूसरे का हाथ पैर टूटेगा तो ये हमारे वेव का सिलसिला है, और इसीलिए हम वेव का स्पीड भी डिफाइन करेंगे, वेव चलती है भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन वेव नाम की कोई वस्तु होगी नहीं। वेव का स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कोई मटीरियल और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेव है तो नहीं, उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट है तो नहीं, इसका अगर ये कारण है तो नहीं। ओके, अभी देखिए, जैसे इसके डिस्टर्ब होने का कारण इसका डिस्टर्ब होना है, ये डिस्टर्ब ना हुआ होता तो वहाँ ना ही हुआ होता है ना, तो अगर इसका ये कारण है तब फिर नहीं। ओके, लेकिन अगर वैसा नहीं है, जैसे मेरे स्पॉट में था, उसका वो कारण नहीं था, वो चमका बंद हुआ, लेकिन वो चमक के बंद हो गया तो जरूरी नहीं है कि बगल वाले को चमकाएगा, नहीं, वो नहीं चमका रहा था, वो तो हम यहाँ से लेज़र भेज के बगल वाले को अलग से चमका रहे थे, तो उसका वो कारण नहीं था, तो वहाँ पर जरूरी नहीं है, वहाँ पर यस, वहाँ पर आराम से स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाइए। अरे डिफाइन छोड़िए, समझिए डिफाइन तो आप खुद कर लीजिए। अगर किसी चीज़ को हमने समझ लिया, हमें पता है कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला, पानी ऊपर आ गया, ये अगर हमें मालूम है कहानी, तो कैसे कहना है, किन शब्दों में कहना है, किन वाक्यों में कहना है, वो तो हम कर ही लेंगे ना, लेकिन वो कहानी नहीं मालूम हो और फिर कुछ वाक्य रचनाएं हमें बताई जाएं कि ये है भैया और कहानी बता है नहीं अपने को, तो फिर क्या करेंगे, उन वाक्यों को रट्टा मारेंगे, रटेंगे, अच्छा भैया इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, उसको वो डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस जो होते हैं वो उनको वेद वाक्य की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन हम खुद अपने बना लेंगे, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन ठीक रहे, तो जो जिस शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं वही अर्थ दूसरे भी समझे, तभी हम एक दूसरे से बातें कर सकेंगे, इसके लिए वो डेफिनेशंस वगैरह आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जिस समय ये हम यहाँ डिस्टर्ब करेंगे और ये वेव चलेगी वहाँ से वहाँ तक, तो ये जो थीटा है,
जो किसी किसी स्ट्रॉ का, किसी टूथपिक का जितना एंगल घूमा है थीटा, हम उस थीटा का आपसे वैल्यू पूछेंगे। बताओ थीटा कितना है, क्या जवाब दोगे? उसी पीरियड के लिए है केवल, जबकि यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है उस पीरियड के बीच में, थीटा बताओ। है ना, सबसे पहले तो आप मेरे को कहोगे कैसे सवाल पूछ रहे हो, किसका थीटा बताओ, इसका थीटा बताऊं कि उसका थीटा बताऊं, और किस टाइम पे? तो दोनों चीज जब तक मैंने सवाल में बताई नहीं तब तक मेरा सवाल पूरा ही नहीं है, उत्तर क्या दोगे भाई? वो जो थीटा का मान बताओ, अरे किसका थीटा बताऊं, इसका बताऊं कि उसका बताऊं कि उसका बताऊं? जिस समय इसका थीटा इतना है उसका जीरो ही पड़ा हुआ है, जिस समय उसका थीटा शुरू हुआ तो इसका जीरो हो गया, तो किसका वाला थीटा बताओ, और बता दो इसका वाला थीटा बताओ, तो इसका भी थीटा अभी जीरो है, थोड़ी देर बाद फिर ऐसा हो जाएगा, 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 फिर जीरो हो जाएगा, कौन से टाइम का थीटा बताओ? हाँ, तो ये जो डिस्टरबेंस है अलग अलग तरह के सिचुएशंस में अलग अलग होगा। अभी का मेरा डिस्टरबेंस है कि वर्टिकल से कितने एंगल घूम गया थीटा, वो है मेरा वेव क्वांटिटी, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है? हाँ, तो वो है हमारी वेव क्वांटिटी थीटा, ये है हमारी वेव क्वांटिटी, रख दीजिए रंजीत। और थीटा बदल रहा है, राइट? और थीटा किस चीज, किस किस, क्या क्या हमें बताना पड़ता है, कौन सा वाला टूथपिक, ये एक्स डायरेक्शन हमने तय किया था ना, तो इसको ओरिजिन कह ले, तो एक्स का कौन सा एक्स बता दो, एक्स बराबर पांच वाला कि छह वाला कि आठ वाला कि दस वाला, एक्स पे डिपेंड करेगा थीटा, किसका किसका थीटा और किस समय थीटा, तो टाइम पर भी डिपेंड करेगा। तो अब हमें थीटा जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, थीटा जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा जो है एक्स और टी का फंक्शन है, हाँ ठीक है, गणित की भाषा इस्तेमाल करने में दिक्कत तो है नहीं किसी को। थीटा जो है वो एक्स और टी का फंक्शन है, और बहुत अच्छा वेल डिफाइंड फंक्शन है। एक बार आपने हमें एक्स और टी दे दिया, थीटा का वन एंड ओनली वन वैल्यू है, यूनिक फंक्शन के डेफिनेशन में ये कहते हैं, भैया ऐसा ना हो कि एक ही एक्स पर दो दो चार चार वाई निकल आए, देन वाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। अब इस उदाहरण में हमारी जो वेव है वो एक खास वेलोसिटी वी से चल रही थी, हर बार देखा ना आपने, उतना ही टाइम लग रहा था यहाँ से वहाँ जाने में, तो इसकी जितनी लेंथ है टाइम से भाग लगा दो, तो उस वेलोसिटी से वो वेव चल रही थी, तो वो वेलोसिटी हमारी फिक्स्ड है, सो दिस इज ए कांस्टेंट, और उसका वैल्यू हम नाप सकते हैं, जान सकते हैं, दिया हो सकता है। ज़्यादा जोर से झटका देने पर शायद उतना डिपेंड ना करे, लेकिन इसको अगर मैं जोर से तान दूं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आजा जरा इस उदाहरण में, ओके, इस उदाहरण में, हाँ टाइट रखना, ये देखो और लूज करो ये देखो, हाँ टाइट करो तो अगर आप 11वीं 12वीं में हो और किसी समय आप वेव पढ़ा रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, और आप इस सूत्र पर हैं कहीं पर, कभी कभी आता है ना ये सूत्र बीच में, टेंशन बढ़ाया स्पीड बढ़ गई, टेंशन कम किया स्पीड कम हो गई। हाँ, तो अब देखो क्या है मेरा एक इस वेव का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो थीटा है उसका एक्स वाले स्थान पे टी वाले टाइम पे जितना वैल्यू है, ठीक है, अगर हम वहाँ से वी टी डिस्टेंस पीछे चले आएं वी इंटू टी, तो टी बराबर जीरो पे वो घटना उस समय में वहाँ हुई थी, उतना ही थीटा वहाँ पे बना था, राइट? जो टी बराबर जीरो पे यहाँ बना है वो टी टाइम पे वी टी डिस्टेंस आगे बनेगा, यही ना मतलब है उसका वी वेलोसिटी का। जो थीटा यहाँ पर है अभी उतना ही थीटा
टी टाइम के बाद यहाँ से वी टी डिस्टेंस आगे बनेगा। ओके तो यानी यहाँ इस एक्स पे ये एक्स है और यहाँ पे टी टाइम पे कुछ थीटा है, उतना ही थीटा वापस आइए एक्स माइनस वी टी स्थान पे और टी बराबर जीरो पे, ठीक है पीछे आ गए। जो अभी यहाँ है ये एक्स का पोजीशन है और टाइम टी है इस समय पे, और हमने देखा कि अच्छा थीटा बराबर 10 डिग्री है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से हम v इंटू टी टाइम स्थान पीछे हट करके सोचें, ये वाला स्पोक पकड़ें, तो t बराबर जीरो पे यहाँ पे वही थीटा रहा होगा क्योंकि vt डिस्टेंस के बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। तो t बराबर जो जीरो पे है t टाइम पे यहाँ है, तो जो यहाँ है वो उससे में vt और जोड़ दीजिएगा तो यहाँ वाला मिलेगा आपको। तो हमारा ये बराबर होना चाहिए, अगर x की जगह मैं रख दूँ x माइनस वी टी और t की जगह अगर रख दूँ जीरो, तो इस स्थान पे इस समय पे इस स्थान पर इस समय पर जितना थीटा है इस स्थान पर और इस समय पे उतना ही थीटा होगा। ये ना मतलब है v वेलोसिटी जानने का। समय लगा लीजिए इसके ऊपर, इस इक्वेशन को समझने में। ओके ये है मेरा पोजीशन x, यहां है ये जो जोड़ है ये है मेरा पोजीशन x, ठीक, और हमने एक टाइम t बोला, वन मिली सेकेंड हमने एक टाइम t बोला, वन मिली सेकेंड। v हमें पता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड या जो भी उसकी वेलोसिटी पता है, तो जो यहाँ है वो वी वेलोसिटी से वेव पहुँची, डिस्टरबेंस पहुँचा, का मतलब जो यहाँ है अभी ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक का कुछ है डी है, तो डी डिस्टेंस पर कब पहुँचेगा, डी बाई वी टाइम पे पहुँचेगा ना, टी डिस्टेंस पे, और ये वी इंटू डी टी डिस्टेंस हुआ ये। ओके तो यहाँ जो थीटा अभी है t समय के बाद यहाँ से vt डिस्टेंस आगे होगा उतना ही थीटा। इसी बात को मैं पलट के कह रहा हूँ, अभी जितना थीटा यहाँ है t समय पहले उतना ही थीटा यहाँ से vt डिस्टेंस पीछे था। तो ये है, ये x है और यहाँ जो टाइम हम बोल रहे हैं कुछ थीटा है, वही थीटा कहाँ, इससे vt डिस्टेंस पीछे, कब, ये टी है तो ये जीरो हो गया ना। अब मुझे आप कोई एक फंक्शन बताओ, एक्स का और टी का दोनों का फंक्शन है, वो उस फंक्शन के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और टी, तो एक्स और टी आप जो एक्सप्रेशन बताओगे उसमें एक्स भी होगा टी भी होगा, ताकि एक्स पर भी डिपेंड करे और टी पर भी डिपेंड करे। अब आप हमें कोई एक फंक्शन बताओ जो x पर भी डिपेंड कर रहा है t पर भी डिपेंड कर रहा है, ऐसा एक एक्सप्रेशन बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है और इस कंडीशन का पालन होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल्स टू थीटा x प्लस vt कॉमा 2t? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। अगर दिस इज इक्वल टू थीटा x प्लस vt, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एकदम बेशक कह सकते हैं। यहां से हम टी टाइम पीछे गए हैं और यहां से वीटी डिस्टेंस पीछे गए हैं, बराबर होंगे तो यही इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है, इसके अंदर में ये सब समाहित है। आप कहीं से भी टी डिस्टेंस पीछे जाओ, टी टाइम पीछे जाओगे, वीटी टाइम डिस्टेंस पीछे जाओगे तो आपको बराबर मिलेगा, या टी टाइम आगे बढ़ोगे और वी टी डिस्टेंस आगे बढ़ोगे तो बराबर मिलेगा। तो कोई एक एक्सप्रेशन बोलो, एक्स और टी का कोई एक एक्सप्रेशन बोलो, हम चेक कर लेंगे कि साइन एक्स इंटू कॉस टी थीटा बराबर ये। तो पहले हमने एक्स और टी हो गया तो ये हो गया, अब एक्स की जगह मैं रखूंगा एक्स माइनस वी टी और टी की जगह मैं रखूंगा जीरो, मुझको सेम थीटा मिलना चाहिए। तो एक्स की जगह हमने रखा x माइनस वी टी और cos t, तो t की जगह जीरो तो इंटू वन। अब बताओ तो जरा ये बराबर ये होता है क्या, ये होता है sin x cos vt
माइनस कॉस एक्स साइन वी टी, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो ये इसके बराबर तो नहीं हुआ, हाँ हमने इनके थीटा में x की जगह पर ये यहां लिख देता हूं कॉस जीरो, x की जगह पे मैंने रख दिया x माइनस बी टी और t की जगह पे रख दिया हमने जीरो, कॉस जीरो होता है वन, तो बच गया इतना, तो ये हो गया इतना। अब ये चीज और ये चीज तो बहुत अलग है, तो ये तो ये नहीं भैया, ये नहीं हो सकता, कट आउट। एक्स और टी में एक फंक्शन बताइए जो इस वेव को रिप्रेजेंट कर सके, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर सके। अब जैसे इन्होंने एक ट्रायल मारा, सक्सेस नहीं, क्या दूसरा ट्रायल मारो और कोई फंक्शन लेके चलते हैं, साइन एक्स माइनस वी टी, थीटा बराबर ये। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो x इन्होंने लिखा है उसकी जगह हम x माइनस वी टी लिखते हैं, और माइनस v इंटू टी जहां इन्होंने लिखा है उसकी जगह हम जीरो लिखते हैं, तो क्या मिल गया हमें, बात तो सही है, बात तो सही है ना। ये है x पर और t पर, और ये है x माइनस वी टी स्थान पर और t बराबर जीरो पे, यही कंडीशन था ना मेरा। तो हमने x जहां जहां था वहां वहां x माइनस वी टी लिखा, ये x था, इस x की जगह पे हमने ये x माइनस वी टी लिखा, और जहां जहां t था वहां वहां हमें जीरो लिखना था, तो ये जो t था उसकी जगह हमने जीरो लिख दिया, तो ये इतना बन गया, तो बराबर तो है, तो ये पास हो गया, ऐसा हो सकता है। ओके, ये एक वैलिड इक्वेशन है, एटलीस्ट इसको रिप्रेजेंट करता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन एक वैलिड इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, और फिजिक्स में ये फंक्शन भी वैलिड नहीं है, फिजिक्स की दुनिया में ही ये फंक्शन वैलिड नहीं है, वेव हो चाहे कुछ भी हो, फिजिक्स की दुनिया में ही ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये गलत इक्वेशन है, क्योंकि सर डिसिपेशन होगा तो आगे नहीं, ये इक्वेशन ही गलत है, किसी भी रेफरेंस में ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है फिजिक्स के संसार में, डायमेंशन ये जो है ये डिस्टेंस है, ये मीटर में है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साइन नहीं होते, 5 मीटर का साइन कितना और 5 सेंटीमीटर का साइन कितना और 5 मिलीमीटर का साइन कितना, ऐसा नहीं होता है, साइन अगर किसी चीज का लेना है आपको तो साइन के आगे जो है उसको डायमेंशनलेस होना जरूरी है, लेंथ का नहीं हो सकता। यहां पे ऐसे सोचिए, ये भी आपको पता ही होगा, साइन एक्स जो होता है वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे होता है ना। तो एक है मीटर, उसमें से घटाया मीटर क्यूब को, मीटर में से मीटर क्यूब को घटा दिया, लेंथ में से आयतन को घटा दिया और जोड़ दिया, फिर x पे पावर मीटर टू दी पावर 5 को जोड़ दिया, ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जितनी इस प्रकार की चीज होती है, e टू दी पावर x आपको पता है 1 प्लस x प्लस, इस x को का कोई डिमेंशन नहीं होना चाहिए, इसको लेंथ नहीं होना चाहिए, इसको टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, केल्विन में नहीं होना चाहिए इसको किसी चीज का डायमेंशन नहीं होना चाहिए इसको, न्यूटन में नहीं होना चाहिए इसको, सेकंड में नहीं होना चाहिए इसको, मीटर पर सेकंड में नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर होने वाला है, अभी 1 में जोड़ना है, यहीं से मामला हो गया खत्म। 1 में तो आप क्या जोड़ोगे, कोई डायमेंशन लेस चीज ही जोड़ोगे ना, मीटर थोड़ी जोड़ दोगे, 1 प्लस 5 मीटर, 1 मीटर प्लस 5 मीटर बोल सकते हो, 1 अलग से और प्लस 5 मीटर, ऐसा थोड़ी कर सकते हो, और फिर उसका भी स्क्वायर आने वाला है, क्यूब आने वाला है, फोर्थ पावर आने वाला है,
जितने साइन कोसाइन लॉग ई टू दी पावर ये सब जितनी चीज़ें होती हैं उनके आगे आप डायमेंशन वाली चीज़ें नहीं लगा सकते, इसलिए ये पूरी फिजिक्स में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। गणित में इस्तेमाल हो सकता है, गणित में केवल नंबर, हर चीज़ उनके नंबर्स होती हैं तो वो इस्तेमाल हो सकता है, फिजिक्स में नहीं हो सकता। एक तो ये गड़बड़ी है। दूसरी गड़बड़ी क्या है कि ये कहता है, ये समीकरण कहता है कि अगर हमने किसी एक एक्स पर फोकस किया, यानी किसी एक जो डंडी थी उस पर फोकस किया, एक ही डंडी को हम देख रहे हैं, यानी एक्स मेरा फिक्स है और समय तो बीत रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, तो ये जो एंगल है वो अपना लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब एंगल लगातार बढ़ता जाए तो साइन जो होता है वो क्या करता है, लगातार बढ़ता जाता है। हाँ, इसको तो वन से जाना है और फिर माइनस वन तक जाना है, उसके बीच में वो, और करते रहना है। ये समीकरण कहता है करते रहो, चरैवेति, चलते रहो, समय बीतता जा रहा है, ये एंगल बदलता जा रहा है, साइन अपना वन से माइनस वन से प्लस वन चलता रहा है। यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ जो डंडी है वो एक बार गई, आई, बैठ गई, थीटा उसका बढ़ा, घटा, बैठ गया, बहुत हुआ तो थोड़ा सा इधर भी एक हाथ मार लिया, उसका बैठ गया, ठीक है। तो वेव के लिए ये वैलिड इक्वेशन है, यस, इट कैन रिप्रेजेंट ए वेव, है ना, जरूर कर सकता है। अगर हम इसको लगातार एक जगह पर ऐसा इसको SHM की तरह हिलाते रहते और जो यहां हो रहा है उसी को थोड़ी देर बाद यहां होना है, तो हम यहां इसको हिलाते रह रहे हैं तो ये भी अपना ऐसे झूम रहा है, तो ठीक है, साइन थीटा वन से माइनस वन जा रहा है, थीटा जो है सो एक थीटा नॉट से माइनस थीटा नॉट तक जा रहा है और फिर वो लगातार चल रहा है, यस, इट्स ए वैलिड वेव इक्वेशन। लेकिन ये जो पल्स हमने अभी आपको दिखाई वो इससे काम इसका नहीं चलेगा। लेकिन गणित में एक और बहुत प्यारी चीज़ है साइन कोसाइन के साथ में बहुत प्यारी चीज़ है। आप किसी भी शक्ल का ग्राफ बना दो, ऐसा साइन वाला ग्राफ नहीं, आप किसी भी शक्ल का ग्राफ बना दो और मेरे को उसका इक्वेशन लिखने के लिए कह दो, क्लासरूम में ऐसे मत पढ़ा देना भाई, जैसे हम इधर से उधर पूरे मैदान में दौड़ लगा रहे हैं ना, वैसा क्लासरूम में नहीं कर देना, वो बहुत प्लांट स्ट्रक्चर में चलना तो चूंकि ये बहुत स्पेशल क्लास है हम लोग का, हम लोग न केवल शिक्षक हैं बल्कि हम लोग जीवंत शिक्षक है, हमारे दिलों में आग सुलग रही है तो इसलिए ये चल रहा है तो ये सब पीसेस जो हो रहे हैं वो सब पीसेस आप अपनी इकट्ठा करते रहो और फिर क्लास में तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड सोच समझ करके जाना है। ओके, तो किसी भी तरह का फंक्शन हो, एफ, बढ़िया, एफ लिखा करते हैं गणित वाले फंक्शंस को, एफएक्स, तो किसी भी तरह का फंक्शन होना ये, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मैं केवल वन डिमेंशन में उदाहरण कर रहा हूं, टाइम में लोगे तो टाइम में ले लो, मेरे को आजादी दे दो, ये मैं चुनूंगा और आई कितने जाएंगे, एक जाएंगे, एक से दस तक जाएंगे, सौ तक जाएंगे, वो मैं चुनूंगा, कितना ये लेना है मैं चुनूंगा। लेकिन आप कोई भी फंक्शन दोगे तो हम ढूंढ लाएंगे ओके, और इससे नहीं मिलेगा तो इससे तो मिलना ही है, कुछ इस प्रकार का, ऐसा,
पूरा इंटाग्रेशन कर डालेंगे हम यहाँ से वहाँ तक, जोड़ से अगर नहीं काम चलेगा तो कंटिन्यूस जोड़ लगा देंगे, लेकिन ये लेके आएंगे। अगर ये पीरियोडिक हुआ तब तो इससे काम चल जाएगा, पीरियोडिक नहीं हुआ तो थोड़ा समेशन को इंटेग्रेशन बनाएंगे, लेकिन साइन फंक्शंस के जोड़ के द्वारा जिसके डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हम तय करेंगे और डिफरेंट उसके जो टाइम पीरियड्स हैं वो हम तय करेंगे, उनके जोड़ के द्वारा हम किसी भी फंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो फंक्शन है मेरा, जैसे हमने अभी कहा थीटा बराबर ए, अच्छा एक वो भी चीज़ थी कि ये भी एक होना चाहिए था यहाँ पे, एक्स माइनस बी टी तो काम चला नहीं मेरा, ये तो फिजिकली इलीगल फंक्शन हो गया, गैर कानूनी फंक्शन हो गया ये, क्योंकि साइन के अंदर में तो लेंथ आ नहीं सकती थी, तो हम वन बाई लेंथ से इसको गुणा कर देते हैं। ओके, के जो है वो मेरा वन बाई लेंथ है, कुछ ना कुछ वन बाई लेंथ टाइप की चीज़ है ये, कौन सा लेंथ क्या वो देखा जाएगा। तो ये लगा देंगे तो ये ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि इसकी भी सुविधा चाहिए भाई, कहाँ तक थीटा कहाँ तक जाएगा, कहाँ से लौटेगा, साइन है ठीक है लेकिन एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो एक ये और एक ये और एक ये, इस तरह से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर इनके सुपरपोजिशन से इनको जोड़ जोड़ करके अलग अलग ए लेकर के, अलग अलग ये के और ओमेगा, ये अलग अलग के लेकर के और अलग अलग ए लेकर के, आप जैसा भी ये आपका पल्स है, ये है वो है, वो हम लोग इससे इसके जोड़ से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इसलिए इसकी अगर हमने स्टडी कर ली तो हम आगे वाला काम कर लिया करेंगे। तो सामान्यतः ये पल्स इससे रिप्रेजेंट नहीं होती है, फिर भी हम इसी वेव को स्टडी करेंगे, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, अपने सारे जो आगे के डिस्कशंस हैं वो इसी को लेकर के होंगे, राइट? क्योंकि इससे ए हमने कहाँ बोला है कि लेंथ है, कैपिटल ए जो है वो लेंथ थोड़ी है, अभी तो हमने के लिए कमिट कर दिया है, के लिए मैंने वादा कर दिया कि वो वन बाई लेंथ है, ए के लिए मैंने कोई वादा नहीं किया है। हाँ, एक को मैं डायमेंशन लेस ही रखने वाला हूँ। अगर थीटा आप डिग्री में रख रहे हो तो हम ए को भी डिग्री में ही रखने वाले हैं। ए बराबर, लेकिन ए का मान फिक्स्ड है, 10 डिग्री 10 डिग्री, थीटा का मान फिक्स नहीं है, वो 10 से माइनस 10 डिग्री से प्लस 10 डिग्री से माइनस डिग्री तक, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसमें जो समझने का है कि आप कैसा भी फंक्शन दोगे ना तो हम उनको डिफरेंट साइन, एक ऐसा साइन लेंगे और कितना एम्पलीट्यूड लेना है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी लेना है मैं तय करके, और प्रॉपरली चूज करके इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये चीज इसको आत्मसात करना है, राइट? मैथमेटिकल डिटेल्स में मैं नहीं जाना है कि कितना लूँ, बताओ कैसे लूँ, कैसे डिसाइड करोगे कितना ए लेना है, कितना ओमेगा लेना है, वो सब तो अपनी जगह पे। वेव्स को हम इस प्रकार के इक्वेशन से लिखा करें, कैसी वेव है, किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में जा रही है, क्योंकि कहाँ से हम इसको लाए, इस बात से लाए कि जो अभी यहाँ है वो टी टाइम के बाद एक्स डायरेक्शन में वी टी डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, और उल्टी वेव आ रही है, आ रही थी ना, देखा था उस वाली को अगर लिखना हो तो जो यहाँ है वो टी टाइम के बाद वी टी डिस्टेंस इस साइड में आने वाला है, तो वी को माइनस भी कर दोगे तो वो काम चलेगा, तो ये प्लस भी हो सकते हैं, इस तरीके का भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वेव गोइंग इन, बोलिए, वेव गोइंग इन ये जो फंक्शन है साइन, ये हमने बोला बहुत बेसिक फंक्शन है, इसी की सहायता से हम लोग और बहुत सारे फंक्शंस निर्माण कर सकते हैं इनको जोड़ जोड़ करके, लेकिन तब भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि आपका साइन ही फंक्शन हो, जैसे ये वेव में जो साइन वेव नहीं थी ना, कहाँ ऐसे 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 कर रहा था, एक खास एम्पलीट्यूड से नहीं कर रहा था,
तो बहुत तरह के फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाओ तो एक ही इक्वेशन सबका काम करता है। और वो क्या है, जैसे ये लिया हमने, ये थीटा नहीं लिख करके इसको कोई जनरल एफ लिख देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंगल ही हो। एफ बराबर ए साइन के एक्स माइनस वी टी, इसी को हम लोग लिखते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखने का मतलब है कि के इंटू वी, इसको हम ओमेगा लिख रहे हैं, वी जो है वो ओमेगा बटा के है। अब आप जानते हैं कि वो टाइम पीरियड है, अगर साइन फंक्शन है तो कि 2 पाई बाई ओमेगा में ये रिपीट करेगा, वो सब आपको पता है। एक्स को अगर आप देखें तो 2 पाई बाई के में ये रिपीट करेगा, तो इसलिए लैम्डा जो है वेवलेंथ जिसको कहते हैं वो 2 पाई बाई के है, और जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाई ओमेगा है। ये सब गणित आपको पता है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएट करो पहले एक्स में, एक्स में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा? ये आएगा एक, और इसमें डिफरेंशिएट करो टाइम में तो क्या आएगा? तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर डालिए इसको, क्योंकि ये साइन में है और ये कॉस में, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, साइन में आएगा। तो यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अब क्या हुआ? और इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम में, तीन बार माइनस है भैया, दो ही बार नहीं है। एक बार इसका माइनस है, एक बार कॉस को डिफरेंशिएट करने का माइनस है, और एक बार इसको जब टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी माइनस है। तीन दफा माइनस है तो वो माइनस इतना रह गया। अब इसको और इसको आप मैच कराइए, इसको और इसको आप मैच कराइए, डी टू एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको k स्क्वायर से भाग लगा देते यहां पे तो क्या बचता? ये इतना बचता, बचता ना। और डी टू एफ डी टी स्क्वायर जो है, इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर से भाग लगा देते तो उतना ही बचता। ठीक है, सही हो गया ये? दोनों में माइनस है, इसको आप के स्क्वायर से भाग लगा दो, इसको ओमेगा स्क्वायर से भाग लगा, वही जो यहां बचा वही यहां बचा। और इसको अगर मैं इधर लिख लूं, डी टू एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर डी टू एफ डी टी स्क्वायर, राइट। अर्थात डी टू एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई वी स्क्वायर डी टू एफ डी टी स्क्वायर। ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन। और खासियत ये है कि हमने एक खास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लेकर के इसको प्राप्त किया है, लेकिन आप साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी लेकर भी चलेंगे तो आप इसी को प्राप्त करेंगे। और आप साइन की जगह कॉस ले लीजिए, ई टू दी पावर ले लीजिए, लॉग, कोई भी फंक्शन ले लीजिए,
जो वैलिड हो, जो उसको उसको हमारे कंडीशन को फॉलो कर, वेव वाले कंडीशन को फॉलो कर, जो यहाँ अभी है, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ये जब उसको आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम में, इसमें उसमें, अंत में आपको यही मिलने वाला है। तो हर एक प्रकार का जो वेव है, अभी हम एक डिमेंशन की बात कर रहे हैं, अभी सारा काम या तो प्लस एक्स में होगा या तो माइनस एक्स में होगा वेव के चलने का, तो उस में आप किसी भी प्रकार का वेव जनरेट कर लो, कैसी भी, लगातार ऑसिलेट कर दो, आप पल्सेस दे दो, आप रुक रुक के पल्सेस दे दो, स्क्वायर पल्सेस दे दो, ट्रायंगुलर पल्सेस, कुछ भी कर दो आप, ये इक्वेशन नहीं बदलने वाला है। तो इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन वेव का कहते हैं, और कहीं से भी ऐसा इक्वेशन आपको दिख जाए तो आप जरूर समझ सकते हो कि ओह ओ ओ, ये जो एफ है ना, ये एक्स और टी पर वेव के स्टाइल में बदल रहा है, जिसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, और ये यहाँ जो चीज़ आ रही है वहीं से वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, और या तो प्लस एक्स में जा रही है या तो माइनस एक्स में जा रही है, लेकिन जा रही है इसी वेव ही जा रही है, राइट? तो ये हमारा वेव इक्वेशन है।